दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एजुकेशन लोन के बारे में एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपको एजुकेशन लोन आसानी से मिल सकता है, आप कैसे उसका ब्याज दर कम करवा सकते हो और किस किस को एजुकेशन लोन लेना चाहिए। इस वीडियो के लिए हम लोग SBI का प्रोसेस लेंगे और पूरा डिटेल में समझेंगे। लगभग सारे बैंकों का जो प्रोसेस रहता है वो सेम ही रहता है। मैंने खुद ने भी SBI का एजुकेशन लोन लिया था तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब SBI जो है वो मोटा मोटी 5 कैटेगरी में आपको लोन देता है। तो सबसे पहले कैटेगरी में वो चाहते हैं जो कि भारत के अंदर ही पढ़ना चाहते हैं, तो उनको लोन दिया जाता है और उस लोन को बोलते हैं SBI स्टूडेंट लोन। अब दूसरी कैटेगरी है वो जिनमें वो बच्चे आते हैं जो कि भारत के बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं और इसको SBI ने नाम दिया है SBI ग्लोबल एडवांटेज स्कीम। तीसरी स्कीम है वो है SBI स्कॉलर स्कीम और इसके अंदर सिर्फ टॉप कॉलेजेस आते हैं जैसे कि IIMs हो गए, IITs हो गए, NEETs हो गए वगैरह वगैरह। चौथा है SBI स्किल डेवलपमेंट स्कीम फॉर वोकेशनल कोर्सेज और पांचवा है SBI टेक ओवर लोन स्कीम। इसके अंदर अगर आपका पहले से कोई लोन चल रहा है तो SBI उसको टेक ओवर कर लेगा। अब इस वीडियो में हम लोग SBI के पहले तीन स्कीम की बात करेंगे जो कि SBI स्टूडेंट लोन, दूसरा है SBI ग्लोबल एडवांटेज स्कीम और तीसरा है SBI स्कॉलर, क्योंकि वही सबसे ज्यादा लिए जाते हैं क्योंकि सारे बैंकों का प्रोसेस सेम ही रहता है। तो इस वीडियो को देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको एजुकेशन लोन लेना कैसे है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि एजुकेशन लोन काम कैसे करता है। एजुकेशन लोन आप ले सकते हो अपने हायर एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। हायर एजुकेशन के अंदर बहुत कुछ आता है जैसे कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वोकेशनल कोर्सेज, पार्ट टाइम कोर्सेज, सब इसके अंदर कवर हो जाता है। लेकिन एजुकेशन लोन आप तभी ले सकते हो जब आपको किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है और आपके पेरेंट्स के पास एजुकेशन फंड करने के पैसे नहीं है तब आप इन बैंक्स के पास जाके एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और फिर आपका सारा प्रोसेस देखकर आपके सारे कंडीशंस को देखकर बैंक आपको एक अमाउंट सैंक्शन कर देगा। आप सबसे पहले ये देखते हैं कि बैंक कितने अमाउंट तक का लोन सैंक्शन कर सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग तीन स्कीम्स के बारे में देखने वाले हैं, तो जो सबसे पहली स्कीम है SBI स्टूडेंट लोन, इसके अंदर आपको 20 लाख तक का लोन मिल सकता है। SBI स्कॉलर लोन में जो दूसरा लोन है उसके अंदर आपको 40 लाख तक का लोन मिल सकता है। बेसिकली यहाँ पर जो SBI है उसने टॉप के कॉलेजेस को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है, AA, AB और C। AA में आपको 50 लाख तक का लोन मिल सकता है, A के लिए आपको 40 लाख तक का मिल सकता है, B के लिए आपको 30 लाख तक का मिल सकता है और C के लिए 7.5 लाख तक का मिल सकता है। तो इसकी पूरी लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप जाके डाउनलोड करके कभी भी फ्री टाइम में देख सकते हो। फिलहाल पूरा वीडियो देखिए, बाद में जाके डाउनलोड कीजिए। अब तीसरा है SBI का ग्लोबल एडवांटेज स्कीम, जिसके अंदर मोटा मोटी आपको बाहर के कॉलेजेस के लिए लोन मिलता है और इसके अंदर आपको 7.5 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। तो इसके अंदर ये बात बताना बहुत जरूरी है कि आपको कॉलेज के लिए तो लोन मिल ही जाएगा लेकिन जो बाकी खर्चे होते हैं जैसे कि कंप्यूटर, एजुकेशनल टूर्स, हॉस्टल, इन सब के लिए भी आपको खर्चा लोन मिल सकता है। यानी कि आपका कॉलेज का 100% तक का खर्चा आप मतलब जो खर्चा रहेगा उसके लिए भी आप लोन सैंक्शन करवा सकते हो। अब बात करते हैं कि हर एक स्कीम में बैंक आपको पूरा अमाउंट दे देगा, तो बिल्कुल भी नहीं। 100% अमाउंट आपको सिर्फ SBI स्कॉलर स्कीम में देखने को मिलता है। उसके बाद अगर SBI स्टूडेंट लोन ले रहे हो और अगर आपका अमाउंट 4 लाख के अंदर है तो फिर आपको पूरा अमाउंट मिल जाएगा, लेकिन उसके ऊपर है तो फिर आपको 5% खुद का रखना पड़ेगा और 95% जो अमाउंट है वो सैंक्शन हो जाएगा। जो SBI ग्लोबल एडवांटेज स्कीम है इसके अंदर आपको 15% खुद का पैसा रखना पड़ेगा और जो बाकी का बचा हुआ वो बैंक सैंक्शन कर देगा। बात करेंगे कि कोलैटरल या फिर सिक्योरिटी के बारे में क्या। तो SBI स्कॉलर जो है इसके अंदर आपको कोई कोलैटरल नहीं देना पड़ता और दरअसल जहां पर भी आपका एडमिशन होगा SBI उसी कॉलेज में आपको काउंटर दे देगा। कभी कभी SBI किसी कॉलेज के लिए आपको 10% की कॉशन डिपॉजिट मांगता है लेकिन वो भी काफी केसेस में कॉलेज सपोर्ट कर देता है। अगर बात करें SBI स्टूडेंट लोन की तो 7.5 लाख तक के अमाउंट के लिए आपको कोई कोलैटरल नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जैसे आप उसके ऊपर जाओगे तो आपको अपने पेरेंट्स को ओवरऑल ऐड करना पड़ेगा और कोई ना कोई कोलैटरल जैसे कि आपके घर या फिर फ्लैट के कागज हो गए, LIC पॉलिसी हो गई, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, ये सब रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 लाख तक का लोन लेते हो SBI स्टूडेंट लोन से तो आपको 11 लाख तक का कोलैटरल रखना पड़ेगा। अगर बात करें SBI ग्लोबल एडवांटेज के अंदर तो उसके अंदर तो आपको कोलैटरल 100% रखना ही पड़ेगा और वो भी अप टू 110% ऑफ द लोन अमाउंट। प्रोसेसिंग फीस के बारे में कुछ ऐसा ही सीन है, SBI स्कॉलर के अंदर आपको कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती है। SBI स्टूडेंट लोन के अंदर अगर आपका अमाउंट 20 लाख से कम है तो कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी, लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो 10,000 प्लस GST की फीस देनी पड़ेगी। और जो SBI ग्लोबल एडवांटेज है उसके अंदर तो आपको फीस लगेगी, तो फीस रहेगी वो रहेगी 10,000 प्लस GST। यार यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा कि बाकी बैंक्स में आपको प्रोसेसिंग फीस के अलावा बाकी फीस भी लगाई जा सकती है जैसे कि लीगल फीस, डॉक्यूमेंटेशन फीस, तो आप एक बार ठीक से देख लेना। आमतौर पर SBI में अगर आप अर्ली रिपेमेंट कर देते हो तो आपको कोई फीस नहीं लगती है और जो सारे PSU बैंक्स है उसके अंदर आपको ये फीस नहीं लगती है, लेकिन प्राइवेट बैंक्स के अंदर ये फीस आपको लग सकती है और वो थोड़ी ज्यादा भी रहती है। चलिए अब देखते हैं कि आपको इस लोन पर ब्याज कितना लगेगा। अब वैसे तो इसके ऊपर कमेंट करना काफी ज्यादा रिस्की है क्योंकि हर 2 से 3 महीने बाद जो इंटरेस्ट रेट होता है वो चेंज होते रहता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सिनेरियो बता देता हूँ जिसकी मदद से आपको एक आइडिया लग जाएगा। अगर अभी SBI स्टूडेंट लोन के अंदर 11.15% का ब्याज दर चल रहा है, वहीं पर SBI स्कॉलर स्कीम के अंदर 8.55 से लेकर 9.65% तक का ब्याज देखने को आपको मिल रहा है। लेकिन अगर आपका एडमिशन
ए कॉलेज में हुआ, जो कि मैंने आपको बताया था, डबल ए, ए बी सी, ये जो कैटेगरीज बनाई है एसबीआई ने, तो ए कॉलेज में हो जाता है तो आपको 8.55% का ब्याज पर लोन मिल जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर सी कैटेगरी में हो गया तो फिर आपको 9.65% का ब्याज लगेगा। और जो एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज है उसके अंदर भी आपको एसबीआई स्टूडेंट लोन की तरह ही 11.15% का ब्याज देखने को मिलता है। यहाँ पर ये मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि काफी सारे बैंक्स में एसबीआई की तरह ही गर्ल चाइल्ड को 0.50% का कंसेशन मिल जाता है, तो ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है वाइल नेगोशिएटिंग। इसी के साथ साथ ये जो इंटरेस्ट रेट होता है ये फ्लोटिंग होता है, ये फिक्स नहीं होता है। जैसे ही आरबीआई रेपो रेट कम कर देगा ये ब्याज दर भी कम हो जाएगी। तो चलिए अब ये देख लेते हैं कि लोन कितने समय तक के लिए मिलेगा और डिसबर्समेंट कैसा होगा। तो सबसे पहले डिसबर्समेंट की बात कर लेते हैं, फिर बाद में जाके टेनर की बात करें। अब मान लो आप 2 साल की एमबीए करने जा रहे हो और एमबीए में सेमेस्टर सिस्टम है, यानी कि हर 6 महीने बाद कॉलेज को फीस जाएगी। जैसे ही आप लोन सैंक्शन करवाओगे तो पहली किस्त बैंक कॉलेज को दे देगा, फिर जैसे 6 महीने बाद फिर से दूसरी किस्त जाएगी, ऐसे करते करते 4 किस्तों में आपका लोन डिसबर्स होगा। जैसे आपकी पहली किस्त जाती है आपको ब्याज लगना शुरू हो जाए। जैसे आपका कोर्स खत्म हो जाता है उसके बाद आपको 1 साल का समय मिलता है जिसको मोरेटोरियम बोलते हैं। तो बैंक आपको समय देता है कि अगर आपको कोर्स खत्म करने के बाद कॉलेज से नौकरी नहीं लगती है तो आप खुद से नौकरी ढूंढ के जो लोन है उसको चुका सकते। अगर आप उस मोरेटोरियम पीरियड के दौरान कोई ईएमआई नहीं भरते तो आपको कोई पेनल्टी भी नहीं लगती। ये जो पूरा पीरियड है, जो कि कोर्स पूरा करने का पीरियड प्लस मोरेटोरियम पीरियड, इसके दौरान जो बैंक है वो आपको सिंपल इंटरेस्ट लगाएगा, लेकिन उसके बाद कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। अब आपके कोर्स पीरियड प्लस मोरेटोरियम पीरियड को खत्म होने के बाद बैंक आपको 15 साल का समय देता है अपने लोन को चुकाने के लिए। यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो मोरेटोरियम पीरियड के दौरान आपको ब्याज लगता है आप उसको हटवा सकते हो, क्योंकि उसके लिए गवर्नमेंट की स्कीम आती है जिसका नाम है एजुकेशन लोन सब्सिडी स्कीम। लेकिन ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनका इनकम 4.5 लाख से ज्यादा है। ये उन लोगों के लिए जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर आते हैं और जिनका सालाना पूरे फैमिली का इनकम सालाना 4.5 लाख से कम है। ये उन लोगों के लिए भी नहीं है जो कि इंडिया से बाहर जा चुके हैं पढ़ने के लिए। गाइस, मुझे लगता है कि एजुकेशन लोन के बारे में हर एक पहलू हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब सच बताओ तो इतनी जानकारी आप सबके लिए लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। आपके लिए कॉन्टेंट ढूंढना पड़ता है, अच्छा अच्छा कॉन्टेंट ढूंढना पड़ता है, अच्छे पॉइंट्स ढूंढने पड़ते हैं, फिर उसको ठीक से प्रेजेंट करना पड़ता है, एडिटिंग करना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है पीछे। तो प्लीज अगर आपको वीडियो सच में पसंद आया हो तो नीचे कमेंट्स में लिख देना दिस वीडियो इज बेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। अगर आप ऐसा करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे आपके लिए ऐसा ही अच्छा कंटेंट लाने के लिए। अभी मैं आपको 2 से 3 ट्रिक्स बताऊंगा एजुकेशन लोन से जुड़े हुए जो आपने कहीं और नहीं सुने होंगे, इसीलिए बोल रहा हूँ कि नीचे कमेंट्स में जरूर लिख देना दिस वीडियो इज बेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। काफी सारे बैंक्स ना आपको एजुकेशन लोन के लोन इंश्योरेंस भी चिपकाते ये बोल के कि अगर आपको कल को कुछ हो गया तो आपकी ईएमआई कौन भरेगा, लेकिन ये लेने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप इसको 100% मना कर सकते हो। दूसरी सलाह यह है कि आप जितना अमाउंट सैंक्शन करवा सकते हो करवा लो, क्योंकि जो लोन का ब्याज लगेगा वो डिसबर्समेंट पे लगता है, सैंक्शन पे नहीं। तो जितना अमाउंट आप सैंक्शन करवाओगे उतने आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। तीसरी सलाह यही दूंगा कि अगर आपके पेरेंट्स के पास फंड्स है भी आपके एजुकेशन के लिए, तब भी मैं कहूंगा कि आप एजुकेशन लोन लीजिए 8 सालों का, क्योंकि आपको रिबेट मिलती है जो भी आप ब्याज भरोगे उसके ऊपर अंडर सेक्शन 80E ऑफ इनकम टैक्स, ये मिलती है आपको अगले 8 सालों के लिए और इसके ऊपर कोई अपर लिमिट भी नहीं है। अगर आप 20 से 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो आपका लोन का इफेक्टिव इंटरेस्ट 7% से भी कम हो जाएगा, और अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो आपको जो इफेक्टिव इंटरेस्ट पड़ेगा वो 6% के आसपास पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि इससे सस्ता लोन आपको कहीं मिल सकता है। गाइस, सच में अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि उससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।